वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है यूपी पीसीएस के लिए। अभी तक 29 कंप्लीट हो गए हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 30 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत के पहले घरेलू बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्म ने अपना ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया है? चेतन आनंद, साइना नेहवाल, बीबी सिंधु या फिर प्रकाश पादुकोण, बताइए। भारत के पहले घरेलू बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्म ने अपना पहला ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया है, किसे नियुक्त किया है? चेतन आनंद को ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले घरेलू बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्म ने चेतन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ट्रांसफार्म बैडमिंटन खेल से संबंधित उपकरण जैसे कि रैकेट बनाता है, शटल्स जिसको बोलते हैं ना, कॉक चिड़िया और जूते आदि का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भारत में एक दिन के लिए ब्रिटेन की हाई कमिश्नर किसे बनाया गया, किसको बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भारत में एक दिन के लिए ब्रिटेन की हाई कमिश्नर चैतन्या वेंकट रमन को, किसको? चैतन्या वेंकट रमन, वेंकटेश्वरन है, क्या है? वेंकटेश्वरन। तो 11 अक्टूबर 2020 को दिल्ली निवासी 18 वर्षीय चैतन्या वेंकट श्रवण ब्रिटेन के दूतावास द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के तहत एक दिन के लिए ब्रिटेन की हाई कमिश्नर बनी, ठीक है, वेंकटेश्वरन, चैतन्या वेंकटेश्वरन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अक्टूबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी है, किस राज्य में रखी है नेचीपू सुरंग की आधारशिला केंद्रीय रक्षा मंत्री ने? मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, किस में रखी है नेचीपू सुरंग की आधारशिला? अरुणाचल प्रदेश में। तो 12 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचीपू सुरंग की आधारशिला जो है अरुणाचल प्रदेश में रखी है। इसकी लंबाई कितनी है? 450 मीटर, सुरंग के लिए बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अगस्त 2020 में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फ्लिपकार्ट ने, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अगस्त 2020 में फ्लिपकार्ट नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकरों को उनके व्यवसाय को विकसित करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा। ई कॉमर्शियल वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, पता होगा ना आपको, मिंत्रा हो गया। हाल ही में किस राज्य ने देश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की घोषणा की? भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र के स्थापना की घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश ने नहीं की है, तमिलनाडु नहीं है, बताइए केरल या उत्तर प्रदेश? केरल या उत्तर प्रदेश? केरल। तो 27 अगस्त 2020 को केरल ने देश के यानी भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अगस्त 2020 में किस संघ राज्य क्षेत्र में यानी केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा हेतु ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ई ज्ञान मोबाइल मित्र ऐप लॉन्च किया गया? दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप, दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
वर्ष 2020 में वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ष 2020 में वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2020 में नई दिल्ली में किया गया, कैपिटल। भारत के किस राज्य ने अगस्त 2020 में जल प्रबंधन सुधार के लिए इसराइल से समझौता किया है? किसने किया है जल प्रबंधन में सुधार के लिए इसराइल से समझौता? यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, फिलहाल इसका उत्तर उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश ने राज्य में जल प्रबंधन सुधार के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो इसराइल के साथ, इसे याद रखना, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश ने इसराइल के साथ जल प्रबंधन सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया है? देखिए, जिनको लग रहा है कि हाँ धीरे स्पीड, वो यूट्यूब के ऐप में जाकर स्पीड को 2x में देख सकते हो आप। बाराबंकी है इसका उत्तर, ए। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सितंबर 2020 में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। इन चीज़ों को सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। जुलाई 2020 में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन 22 से 24 जुलाई 2020 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम अगले दशक में भारतीय वायुसेना क्या है? अगले दशक में भारतीय वायुसेना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संबंधित है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, बताइए। अगरबत्ती निर्माण करनी है, कारीगरों को लाभ पहुंचाना है, ग्रामोदय विकास योजना के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत कार्यक्रम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक अपनी ज़रूरत की 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा को टिकाऊ ऊर्जा द्वारा पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कब तक? 10 वर्ष कम से कम, और 2030 तक, डी है इसका आंसर। तो देखिए, रेलवे द्वारा वर्ष 2030 तक 33 बिलियन यूनिट टिकाऊ ऊर्जा द्वारा पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने आपका मित्र नामक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? किस राज्य ने आपका मित्र नामक व्हाट्सएप ऐप चैटबॉट लॉन्च किया है? आपका मित्र छत्तीसगढ़ तो नहीं है इसका उत्तर, बताइए। हिमाचल, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? आपका मित्र नामक व्हाट्सएप ऐप चैटबॉट हरियाणा की सरकार ने, तो हरियाणा ने आपका मित्र नामक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है व्हाट्सएप पर छात्रों के प्रवेश संबंधी सूचनाओं को हल करना, ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड। हाल ही में भारत के किस राज्य के पारंपरिक मीठे पकवान खाने मसालेदार हरमल मिर्च और मोयरा केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मसालेदार हरमल मिर्च और मोयरा केला को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। कहाँ के हैं ये? गोवा के, गोवा। तो जीआई टैग का प्रयोग जो है ऐसे उत्पाद के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। भारत का पहला जीआई टैग क्या था? दार्जिलिंग की चाय। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सितंबर 2020 में भारत के किस देश के साथ पहली बार संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया? भारत ने किस देश के साथ पहली बार संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया है, बताइए? अंगोला या युगांडा? मोरक्को तो है नहीं।
और घाना भी नहीं है। फिर क्या है इसका उत्तर? अंगोला, ऑप्शन नंबर बी। तो 7 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और अफ्रीकी देश अंगोला के मध्य पहली बार संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना कम से कम। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो भी था 30 पहुँच सकते हो। साथ में यूपीएससी की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है और बीपीएससी 66 प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो इन वीडियो को। धन्यवाद।